हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डीआरएक्स दीपक फार्मा। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और दोस्तों, जिनका भी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में बैक आया है या सप्ली आया है, तो उनके लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि जो सप्ली स्टूडेंट हैं उनको किस तरह पेपर अटैम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चन पढ़ के जाने हैं। तो दोस्तों, इससे आप एक अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो और अपने एग्जामिनेशन को इजीली पास कर सकते हो। तो दोस्तों, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सप्ली आ जाते हैं कई बार। तो दोस्तों, आपको अच्छे से स्टडी करनी है, इस बार सप्ली नहीं लाना है। तो दोस्तों, यह वीडियो उन सभी स्टूडेंटों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस फर्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और सिलेबस से भी बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है आपके एग्जाम के लिए, कौन सा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। तो दोस्तों, यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। दोस्तों, मैं ये भी बताऊंगा कि 10 मार्क्स के लिए कौन सा क्वेश्चन आप अभी से प्रिपेयर कर लो, जो आपकी एग्जामिनेशन में आएगा ही आएगा। तो दोस्तों, यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला दोस्तों, और दोस्तों मैं तो वही बताऊंगा जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगर आप इंपॉर्टेंट करके जाते हो और अच्छे से पढ़ के जाते हो, तो आप इजीली पास हो जाओगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हो दोस्तों, बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर 2022 का ही ये पेपर है, और दोस्तों आपका पेपर 75 मार्क्स का होता होगा, आपको पता ही होगा। ये 3 सेक्शन में डिवाइडेड होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। जो सेक्शन ए है उसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो सेक्शन बी है उसमें 10 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो सेक्शन सी है उसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कोई कोई यूनिवर्सिटी में 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं सेक्शन ए में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे 2 मार्क्स के लिए। तो डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, तो आपको डिफ्रेंशिएट बताना है एक्यूरेसी क्या है एंड प्रिसीजन क्या है। व्हाट आर रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स, तो देख सकते हो दोस्तों कितना बेसिक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या है। व्हाट आर इंडिकेटर्स एंड हाउ दे असिस्ट इन डिटरमिनेशन ऑफ एंड पॉइंट फॉर द टाइट्रेशन, इंडिकेटर कैसे असिस्ट करता है डिटरमिनेशन ऑफ एंड पॉइंट ड्यूरिंग टाइट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, नेम एनी 2 इंडिकेटर यूज्ड इन नॉन एक्वास टाइट्रेशन, आपको किन्हीं 2 इंडिकेटर के नाम बताने हैं जो नॉन एक्वास टाइट्रेशन में यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी 2 मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, तो कितना ईजी है दोस्तों आपको 2 मेथड बताने, कैसे आप मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन कर सकते हो। तो इसमें आप बताओ दोस्तों, मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी, मोलरिटी, ये सब। दोस्तों, डिफ्रेंशिएट बिटवीन आइडियोमेट्रिक एंड आइडियोमेट्रिक टाइट्रेशन, तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स के लिए भी। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसके डिफ्रेंशिएट तो आते ही आते हैं। तो दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है टॉपिक। नेम द इंडिकेटर यूज इन बोलार्ड प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन, तो आपको इंडिकेटर का नाम बताना है जो वोलार्ड प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन में यूज किया गया है। व्हाट आर सेकेंडरी स्टैंडर्ड गिव्स एग्जांपल, आपको सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या है और उसके एग्जांपल्स बताने हैं। एनलिस्ट वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन ग्रामेट्रिक टाइट्रेशन, डिफाइन फार्माकोपिया, आपको फार्माकोपिया के बारे में बताना है। दोस्तों, कितना ईजी है, आपको फार्माकोपिया के बारे में तो पता ही होनी चाहिए। सेक्शन बी में दोस्तों कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, एक्सप्लेन फेजान मेथड ऑफ प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन इन डिटेल, तो 10 मार्क्स में आपको फेजान मेथड पूछा है। तो दोस्तों, प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन टॉपिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी आपसे मोर्स और बोलार्ड पूछ दिया जाएगा, कभी फेजान्स पूछ दिया जाएगा, तो कभी मॉडिफाई वोलार्ड मेथड पूछ दिया जाएगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों, एलिब्रेट ऑन वेरियस थ्योरीज रिगार्डिंग वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ एसिड बेस्ड इंडिकेटर, तो आपको वेरियस थ्योरी रिगार्डिंग वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ एसिड बेस्ड इंडिकेटर्स के बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, एक्सप्लेन प्रिंसिपल एंड वेरियस मेथड ऑफ कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, आपको प्रिंसिपल बताने हैं, उसके वेरियस मेथड बताने हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के, एंड गिव एन अकाउंट ऑफ मार्क्सिंग डीमार्क्सिंग एजेंट यूज इन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, तो डीमार्क्सिंग और मार्क्सिंग एजेंट यूज होते हैं कॉम्प्लेक्सिक टाइट्रेशन, उसके बारे में आपको बताना। तो दोस्तों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन चैप्टर से, तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। और दोस्तों, देखते हैं 5 मार्क्स में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था एग्जामिनेशन में, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप लोगों के लिए। यहाँ देख सकते हो दोस्तों, सेक्शन सी, इसमें देख सकते हो, व्हाट आर एरर डिस्कस टाइप्स ऑफ एरर, कितना ईजी है दोस्तों, एरर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसको टाइप्स बताने थे, डिटरमाइंड, नॉन डिटरमाइंड, क्या कौन कौन से एरर होते हैं उसके बारे में आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिडॉक्स टाइट्रेशन, आपको एक्सप्लेन करना था डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिडॉक्स टाइट्रेशन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, राइट अ नोट ऑन डायटाइजेशन टाइट्रेशन के बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन डीएमई यूज्ड इन
प्लोरोग्राफी DME यूज होता है जो प्लोरोग्राफी में, उसके बारे में एक्सप्लेन करना। डिफाइन लिमिट टेस्ट, एक्सप्लेन लिमिट टेस्ट ऑफ कोलोराइड्स इन डिटेल। तो दोस्तों ये एक ऐसा चैप्टर जो लिमिट टेस्ट ऑफ कोलोराइड, ये तो इनऑर्गेनिक में पूछा जाता है, तो ये एनालिसिस के पेपर में भी पूछा गया, तो आप देख सकते हो। ऐसे तो ये क्वेश्चन सभी बच्चे अटैम्प्ट करते हैं क्योंकि लिमिट टेस्ट के बारे में तो पता ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस सॉल्वेंट यूज्ड इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट। कौन से सॉल्वेंट यूज होते हैं नॉन एक्वस टाइट्रेशन, आपको उसके बारे में बताना। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, आपको कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन के शॉर्ट नोट निकले हैं। राइट शॉर्ट नोट को प्रिसिपिटेशन एंड पोस्ट प्रिसिपिटेशन, इसके बारे में। और राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इलेक्ट्रोड्स यूज्ड इन पोटेंशियोमेट्री, तो आपको इसके बारे में भी एक शॉर्ट नोट आते हैं। तो देख सकते हो दोस्तों, ना ज़्यादा हार्ड था, पेपर मॉडरेट ही था दोस्तों, तो आप थोड़ा अच्छे से पढ़ते हो हर चैप्टर से, तो अपने एग्जाम में एक अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। आप लोगों का बैक पेपर है, तो उन सभी स्टूडेंटों के लिए मैं कुछ टिप्स बताना चाहता हूँ। आपको तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करके जाने हैं, क्योंकि दोस्तों आपको इससे एक आइडिया मिलेगा। और पेपर आए थे ना, उस पेपर को ज़रूर से ज़रूर करना है जो आपकी एग्जामिनेशन के टाइम आए थे। दूसरी बात, आपको सभी क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। और दोस्तों तीसरी बात, आपको सेक्शन वाइज करने हैं अटैम्प्ट। और हो सके तो दोस्तों आप क्वेश्चन ऐसे अटैम्प्ट करोगे टीचर को लगे कि बंदे ने लिखा है। तो दोस्तों अगर आप ऐसे अटैम्प्ट करते हो तो आप पास हो सकते हो। और मैं आप लोगों के लिए कुछ और पॉइंट्स बताना चाहता हूँ कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए। जैसे देख सकते हो दोस्तों, एरर्स तो आपको पढ़ के जाने चाहिए आपके एग्जामिनेशन में। मेथड ऑफ एक्सप्रेशन, कंसंट्रेशन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ये इसमें आपको न्यूट्रलाइजेशन कर्व, थ्योरी ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर, नॉन एक्वस टाइट्रेशन के बारे में पढ़ना है दोस्तों। प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन आपको पूरा करना है दोस्तों। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में डीमार्किंग और मार्किंग एजेंट करके जाना है आपको दोस्तों। गैरोमेट्री में आपको स्टेप्स करने ही करने, और को प्रिसिपिटेशन और पोस्ट प्रिसिपिटेशन करना है। इसके बाद दोस्तों रिडॉक्स टाइट्रेशन में आपको टाइप्स ऑफ रिडॉक्स टाइट्रेशन करने हैं, ठीक है। आपको इसके बीच डिफरेंस आइडोमेट्री और आइडियोमेट्री के बारे में। फिर इसमें दोस्तों कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या है, फिर इसमें दोस्तों आप देख सकते हो वर्किंग और रिफरेंस इलेक्ट्रोड, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड आपको देखना है। इल्कोबिक इक्वेशन 2 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। रोटेटिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, तो ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड, तो अगर आप ये सब भी अपने एग्जामिनेशन में करके जाते हो तो आप इजीली पास हो जाओगे दोस्तों। और दोस्तों एक ये क्वेश्चन देख सकते हो, मेथड टू डिटरमाइन इन पॉइंट पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन एंड एप्लीकेशन। तो दोस्तों ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको सिलेबस से भी बता दिया कि क्या क्या आपको टॉपिक पढ़ के जाना है आप अपने एग्जामिनेशन में। तो दोस्तों ये सब आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए, तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, और आपके किस पेपर और आपका पेपर कौन सा ख़राब गया था, तो उसमें आप अच्छे नंबर लाना चाहते हो, तो मैं उस पेपर पे भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। आई होप दोस्तों यह वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो शेयर विद फ्रेंड्स।